विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालक वर्ग, आज आपण काल जे इयत्ता 10वी सीबीएसई बोर्डाचं जे निकाल लागले त्या इयत्ता 10वी सीबीएसई बोर्डाच्या निकालात पोद्दार इंग्लिश स्कूल मधनं टॉप 10 विद्यार्थ्यांमध्ये आलेला आशिष सारडा आणि त्याच्या पालकांना आपण भेटणार आहोत आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत की त्या पर्टिक्युलर सक्सेस स्टोरी साठी त्यांना काय मेहनत करावी लागलेली आहे। तर माझा सर्वात प्रथम आशिषला असा प्रश्न आहे की त्यांनी इयत्ता 10वीची तयारी कशा पद्धतीने केली? टीचर्स को फॉलो करते, टीचर्स जो बोले वो हमें करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए विद स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ओके, अब ये जो आपका परसेंटेज आया है 92.6, तो इस पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए आपने मींस ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है क्या? जैसे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उतने पढ़ाई के लिए 10 घंटा 15 घंटा ऐसा करना पड़ता है, या आपका प्लान स्टडी था? मेरा प्लान स्टडी था, जो टीचर्स बोलते थे, टीचर्स को एज एक्सपीरियंस बहुत होता है, उन्हें पता होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो टीचर्स को पूछ लिया, टीचर्स हमें जो सिखाते हैं उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसी दिन घर पे जाके जो टीचर्स ने पढ़ाया है उसे रिवाइज करना चाहिए। ओके, और अभी जो आपका रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के बाद में आगे आप लाइफ में करियर कौन से फील्ड में करना चाहते हो और उस फील्ड में करियर करने का एक पर्टिकुलर रीजन क्या है? मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पहले से ही बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसमें अच्छा काम कर सकूँ। अब मेरा आशीष के फादर, उनको क्वेश्चन रहेगा, वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतने बिजी शेड्यूल के बाद में सर कभी ऐसा हुआ है क्या कि क्लास 10 के प्रिपरेशन की वजह से पेरेंट और चाइल्ड इनके बीच में जो एक स्ट्रेस रहता है वो स्ट्रेस फैक्टर कभी आपको महसूस हुआ है क्या? और अगर महसूस हुआ है तो उस वक्त आपने एज अ पेरेंट क्या रोल प्ले किया और आज जो आशीष का सक्सेस है उसमें आपको क्या लगता है कि उसने कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर फोकस करके प्रिपरेशन करने की वजह से थोड़ा सा आपका पेरेंटिंग का लोड भी हल्का हो गया? आपको सर, आपको ऐसा लगता है लेकिन आपने जो प्लान बना के दिया था बच्चों के लिए वो वहां पे पूरा फॉलो करता था और उस हिसाब से वो पूरा स्टडी करता था। ओके, कभी उसने ऐसा बोला नहीं मुझे ऐसा नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, वो उसका खुद अच्छी तरह से ख्याल करता था। मीन्स यहाँ पे मैं पेरेंट्स को और बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर स्टूडेंट खुद से प्लान वे से स्टडी करता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे पेरेंट के ऊपर का बर्डन भी बहुत सारा कम हो जाता है। अब मेरा आशीष को एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि उसका जो एक बीएन डिजिटल स्मार्ट कोचिंग के साथ क्लास 8 से जो जर्नी है, तो उस जर्नी का उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा और उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का उसको जो बोर्ड एग्जाम और एमटीएससी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में क्या बेनिफिट हुआ? क्लास 7 तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, जब मैंने ट्यूशन ज्वाइन की तब से ही मेरा धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ और आज मुझे 92.4% मिले। तो ट्यूशन के टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से गाइड किया, प्रवीण सर ने तो स्पेशली हर वक्त में हमें गाइड किया, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अगर प्लान वे से बच्चा स्टडी करता है तो उसको सक्सेस आसानी से मिल सकता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमने अभी हमारे सामने देखा है आशीष सारडा इसका। तो होचो अपने कंट्री को एक बहुत अच्छा डॉक्टर उसके रूप से मिले और उस पर्टिकुलर डॉक्टर के रूप से इस समाज को एक ऐसा पर्सनालिटी मिलना चाहिए जिस वजह से इस समाज के लिए कुछ तो भी अच्छा वर्क हो सके। तो बीएन डिजिटल स्मार्ट कोचिंग के पूरे टीम की तरफ से हम उसे आगे के उसका जो जर्नी है उसके लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और उसको बेस्ट विशेस देते हैं। थैंक यू।